नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि पचमढ़ी में सरकार द्वारा चिंता शिविर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जनता का बर्बाद कर रही है, जबकि मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इसके बावजूद भी सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार को इवेंट पसंद है, सरकारी खजाने से आयोजन करवाना पसंद है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 51,000 का कर्ज है। भोपाल के अंदर करोड़ों की लागत से वल्लभ भवन और कई शासकीय भवन है, लेकिन चूंकि शिवराज सरकार को इवेंट पसंद है, शिवराज सरकार को आयोजन पसंद है, सरकारी खजाने से इवेंट के नाम पे लाखों रुपए लुटाना पसंद है, इसलिए कैबिनेट की बैठक चिंतन के नाम पे पचमढ़ी में हो रही है। हमने जब भी सवाल उठाए थे, क्या भोपाल के शासकीय भवनों में बैठक नहीं हो सकती, वल्लभ भवन में बैठक नहीं हो सकती, क्या कारण है कि करोड़ों रुपए लुटाए जा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे कारण है कि इनको टूरिज्म करना है, इनको पर्यटन करना है, इनको इवेंट करना है। और कहने को तो बातें की गई थी कि पचमढ़ी में जाकर चिंतन करेंगे, लेकिन सुबह से ही इवेंट का काम चालू हो गया है, रात को बस में बैठने का इवेंट चालू हो गया है। सुबह यदि बात करें तो सुबह से चालू हो गया है कि पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो ये इवेंट पूरा चालू हो गया। और ये पूरी बैठक ही इवेंट के कारण हो रही है, क्योंकि इसको इवेंट का रूप देना है। अब सरकार का इवेंट तो सामने आ गया, मंत्रियों का भी इवेंट सामने आ जाए कि सुबह से वो क्या कर रहे हैं, उठे हैं, सोए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और सुबह से वो क्या कृत्य कर रहे हैं, सारी चीजें सामने आना चाहिए, तो इवेंट उनका भी पूरा हो जाए। ये सरकार सिर्फ इवेंट आयोजन में सरकारी खजाने को लुटा रही है। पहले भी यदि हनुमंतिया में बैठक हुई, सियोर के रिसोर्ट में, उससे प्रदेश को कुछ हासिल नहीं हुआ, तो इस बैठक से क्या हासिल होगा यह सरकार को बताना चाहिए। और पहले की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई है, सिर्फ इवेंट और पर्यटन के नाम पर लाखों रूपये प्रदेश के खजाने से लुटाए जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।